दोस्तों आवारा सिविलाइजेशन का ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले चलते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आगे ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है और फिर टोटल 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन को देख के ऑब्जेक्टिव आना है और फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी वीडियो में खत्म कर देना। आवारा सिविलाइजेशन का इस वीडियो में सारा कुछ खत्म कर देना, ऑब्जेक्टिव साथ में सब्जेक्टिव। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आवारा सिविलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आवारा सिविलाइजेशन का है, द एसे आवारा सिविलाइजेशन इज कम्पोज्ड बाय, मतलब आवारा सिविलाइजेशन किनके द्वारा लिखा गया, उनको कंपोज किसने किया आवारा सिविलाइजेशन का, जो एक एसे था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आवारा सिविलाइजेशन एक क्या था, स्टोरी था या एसे था। तो इसका आंसर हो जाएगा एसे। तो इसका जो है आवारा सिविलाइजेशन कौन कंपोज किए थे, तो आंसर हो जाएगा सी एम जॉर्ज। सी एम जॉर्ज जो थे आवारा सिविलाइजेशन को कंपोज किए थे। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, तो पहला डबल स्टार का था और दूसरा आप देख लेते हैं, द ऑथर प्रोफेसर सी एम जॉर्ज वॉज वेल नॉन, मतलब सी एम जॉर्ज किसके लिए जाने जाते थे। तो आंसर बी, ब्रिटिश फिलोसफर एंड राइटर, ठीक है, ब्रिटिश फिलोसफर एंड राइटर के लिए सी एम जॉर्ज प्रोफेसर जो थे जाने जाते थे। तो तीसरा क्वेश्चन है, इन द एसे आवारा सिविलाइजेशन द ऑथर हैज़ नरेटेड द रोल ऑफ, ऑथर के इनके रोल को नरेट किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन का किए थे। तो आंसर हो जाएगा मशीन इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, सी एम जॉर्ज हैज़ कंपोज द एसे नेम्ड, तो वो कौन सा एसे को कंपोज किए थे, तो आवर ऑन सिविलाइजेशन, ठीक है। और फिर पांचवा क्वेश्चन, मैन इन्वेंटेड मशीन बिकॉज, मैन इन्वेंटेड मशीन बिकॉज, मानव जो है मशीन का आविष्कार क्यों किया, तो वो दे वेयर वांटेड टू मैक लाइफ इजियर। तो इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आती है, मैन इन्वेंटेड मशीन बिकॉज दे वेयर वांट टू मैक लाइफ इजियर, वो अपने लाइफ को आसान बनाना चाहते थे, वो अपने जीवन को आसान बनाना चाहते थे। तो ये डबल स्टार का क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लो। और फिर छः नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द एसे आवर ऑन सिविलाइजेशन गेट्स अप इन द मॉर्निंग वैन, वो जो ऑथर थे आवर ऑन सिविलाइजेशन के, वो सुबह में क्यों उठते थे, कब उठते थे। तो आंसर हो जाएगा बी, एन अलार्म क्लॉक रिंग, ठीक है, एन अलार्म क्लॉक रिंग, जब अलार्म बजती थी। और फिर सातवां क्वेश्चन है, एट द प्रेजेंट टाइम मैन फुल्ली डिपेंड ऑन, अभी जो है वर्तमान समय में मनुष्य जो है किस पे डिपेंड करता है फुल्ली। तो आंसर हो जाएगा बी, मशीन पे, मशीन पे जो है अभी पूरा मानव डिपेंड कर रहा है, तो मशीन आंसर हो जाएगी बी। और फिर आठवां क्वेश्चन है डबल स्टार का, इसे भी याद कर लीजिए, फॉर सिविलाइजेशन देयर आर नेसेसरी, फॉर सिविलाइजेशन देयर आर नेसेसरी, क्या सभ्यता के लिए क्या नेसेसरी है। तो आंसर हो जाएगा ऑर्डर एंड सेफ्टी, ठीक है, ऑर्डर एंड सेफ्टी, तो आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर नौ नंबर क्वेश्चन है, नौ नंबर क्वेश्चन है, मैन शुड स्पेंड हिज टाइम एंड एनर्जी इन, मैन शुड स्पेंड हिज टाइम एंड एनर्जी इन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल, मनुष्य जो है अपना समय कि और एनर्जी किसके लिए स्पेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल, मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल, तो इसके लिए, तो आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दस नंबर क्वेश्चन है, ए स्टिल ग्रेटर डेंजर्स कम्स फ्रॉम, ए स्टिल ग्रेटर डेंजर कम्स फ्रॉम, मतलब बड़ा खतरा किससे होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, वार से, वार से बड़ा खतरा होता है। और फिर 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स में से पूछे जाएंगे, सो आप लोग 11 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो। तो पहला ये स्टार मार्क्स है, तो वी रिले ऑन मशीन्स बिकॉज, मतलब हम लोग मशीन पर भरोसा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दे हेल्प अस इन आवर वर्क, दे हेल्प अस इन आवर वर्क, वह मेरे वर्क में, अपने वर्क में मदद करता है, ठीक है। मशीन जो है अपने वर्क करने में, अपने लोग को वर्क करने में मदद करता है, इसलिए
हम लोग मशीन पर भरोसा करते हैं, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब चलते हैं सब्जेक्टिव दोस्तों क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो गए, अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आवर ऑन सिविलाइजेशन का। तो आवर ऑन सिविलाइजेशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग ये बता दो कि ऐसे ही और चैप्टर्स का वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। हिंदी का जो है अभी प्रो सेक्शन का और भी चैप्टर जो है, तो उनका क्वेश्चन ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो एक साथ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। चाहिए तो आप नीचे जाके कमेंट करो कि हाँ भैया ऐसा ही और क्वेश्चन चाहिए, तो हम ऐसे ही और वीडियो बनाते चलेंगे, सारे पूरा हिंदी 50 मार्क्स को खत्म कर देंगे। तो चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ तो समझा नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए हम शॉर्ट में बताते हुए निकलते जाएंगे और फिर लास्ट में जो है आपको बताएंगे कि इसका आंसर आपको डिटेल में कैसे लिखना है, आपको कहाँ से क्या करना होगा। सो आप लास्ट तक वीडियो को देखो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आ जाती है, तो पहला क्वेश्चन है हाउ कैन बी प्रिवेंट वार, हम लोग युद्ध को कैसे रोक सकते हैं, हाउ कैन बी प्रिवेंट वार। तो इसका आंसर हो जाएगा वी नो डैट वार इज द मेन कॉज ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन डैट ब्रिंग्स मिजरी एंड सफरिंग टू अस। मतलब जो है वार का मुख्य कारण जो है पॉलिटिकल डिवीजन है, पॉलिटिकल डिवीजन के कारण ही जो है अपना वार होता है, और इसे हम लोग वी कैन प्रिवेंट बाय यूजिंग कोऑपरेशन एंड गुडविल। मतलब हम लोग अच्छी चाह से इसे रोक सकते हैं। द ओनली वे टू प्रिवेंट दिस सेटअप सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थी इम्पोर्टेंट थी, तो इसे आप देख लेना। और फिर दोनों क्वेश्चन वैसे जो है जिसमें डबल स्टार मार्क्स है तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वो क्वेश्चन को जरूर देखना, और जो जिसमें स्टार मार्क्स नहीं लगा वो उसको भी एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल 8 ही तो क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो, और जिसमें स्टार मार्क्स है उसको ज़्यादा अच्छे से देख लेना, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इज द इन्वेंशन ऑफ मशीन इंडिकेटिव ऑफ मैंस लेजीनेस, क्या मशीन का आविष्कार मानव का आलसीपन का सूचक है, क्या मशीन का आविष्कार मानव की आलसीपन का सूचक है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आविष्कार, मानव जो है आविष्कार इसलिए करता है कि वो लेजी है, वो आलसी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आविष्कार इसलिए करता है क्योंकि वो अपना लाइफ को ज़्यादा इजी बनाता है। दे कैन नॉट बी आइडल, वो आलसी नहीं है। दे कीप ऑन, वह जारी रखते हैं इन्वेंशन, आविष्कार को जारी रखते हैं, न्यू मशीन टू मैक देयर वर्क इजी एंड लाइफ कंफर्टेबल, अपने उसके लाइफ को कंफर्टेबल बने और मतलब उनका जो है काम जो है सारे आसान हो जाए, तो इसके लिए इन्वेंशन करते हैं। तो ये दोनों और क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुकी है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ईजी है, तो आप इसे भी देख लेना। और तीन और क्वेश्चन जो कि स्टार मार्क्स है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो तीन और क्वेश्चन है हाउ अकॉर्डिंग टू CEM जॉर्ज इज मॉडर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड वन, हाउ अकॉर्डिंग टू CEM जॉर्ज इज मॉडर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड वन। तो इसके लिए आपको यहाँ पे भी देख लीजिए हाउ अकॉर्डिंग टू CEM जॉर्ज इज मॉडर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड वन, इसमें भी डबल मार्क्स, इसमें भी डबल स्टार मार्क्स, ठीक है। तो इसका आंसर आप ये भी दे सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है, तो आप ये जो भी इसका समरी जो होगा ना, तो समरी ही इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो समरी का शॉर्ट में आप बना के ये लिख सकते हो। तो चलते हैं अगला देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, क्योंकि ये तो समरी ही हो गई, तो इसमें आपको शॉर्ट में ज़्यादा ज़्यादा जितना ज़्यादा अभी लिखने पे ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है। तो आप 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर, डू यू एग्री डैट मशीन रूल आवर लिव्स, मतलब मशीन का रूल से हम लोग चलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग जो है अपना रूल से चलते हैं, और आई डू नॉट एग्री डैट मशीन रूल आवर लिव्स, यहाँ गलत लिखा हो क्योंकि गेस पेपर में ऐसा ही होता है, गलत बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, तो यहाँ हो गया जाएगा लिव्स, लाइज लिखा हुआ है। तो मतलब मशीन हैव बिकम आवर बेस्ट फ्रेंड, मशीन जो है हमारा सच्चा दोस्त बन चुका है। दे हेल्प अस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हमारे हर एक कदम पर मशीन हमारा साथ देता है। दे हेल्प अस नॉट ओनली इन पर्सनल वर्क बट आल्सो इन सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वह जो है सोशल सामाजिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी हमारा मदद करता है। दे सेव आवर टाइम, वो हमारे समय का बचत करता है, एंड एनर्जी, और हमारे एनर्जी को भी बचत करता है, ठीक है। तो इसका आंसर इस टाइप से आप दे सकते हैं, और फिर लास्ट में तो बताएंगे कि आपका आंसर कैसे आपको लिखना है। सो अभी शॉर्ट में बता के निकलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है वाई आर
ऑर्डर एंड सेफ्टी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन, सभ्यता के लिए शासन एवं सुरक्षा क्यों आवश्यक है? तो सभ्यता के लिए शासन एवं सुरक्षा क्यों आवश्यक है? तो ये क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से आप देख लो, लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ लो, और इसका लास्ट में बताएंगे। तो फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डेंजर फ्रॉम पॉलिटिकल डिवीजन, राजनीतिक विभाजन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो राजनीतिक विभाजन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? वार, मतलब लड़ाई। द ग्रेटेस्ट डेंजर फ्रॉम पॉलिटिकल डिवीजन इज वार, और नहीं होगा, यहाँ पे वार हो जाएगा। ऑल थ्राउ सो वा फॉर, इतना मतलब जो है इसमें जो है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डेंजर फ्रॉम पॉलिटिकल डिवीजन, तो इसका मतलब शॉर्ट में अगर आंसर बोले तो वार। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन तो हो गई, तो अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रही है, हाउ शुड मैन स्पेंड हिज टाइम एंड एनर्जी, मनुष्य को अपना समय एवं शक्ति कैसे बितानी चाहिए? तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, तो ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा कम, बहुत कम चांस है ये क्वेश्चन आएंगे। फिर 8 नंबर क्वेश्चन जो है डबल स्टार मार्क्स है, तो यही एक क्वेश्चन जो है, ये तैयारी हो जाने से लगभग आपका इसी में से आना चाहिए क्वेश्चन। तो इसमें हो गया राइट द समरी ऑफ एससी आवर ऑन सिविलाइजेशन, तो इसमें आपको पूरा समरी लिखना है, तो इसमें आपको पूरा समरी जो है, और इसी में और करके जो समरी आप लिखिएगा उसी टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप समरी को ही पूरा लिख सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन है, व्हाई आर ऑर्डर एंड सेफ्टी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन, तो इसमें भी आप समरी पूरा लिख दोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। हाईलाइट द मेन पॉइंट कॉन्टेंट इन द एसे आवर ऑन सिविलाइजेशन, इसमें भी आप समरी लिख सकते हो। और फिर हाउ अकॉर्डिंग टू CM जॉट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड सिविलाइजेशन, तो यही क्वेश्चन है ना 3 नंबर क्वेश्चन, तो ये इसमें भी आप पूरा का पूरा समरी लिख सकते हो। तो समरी यहाँ पे इतना बड़ा समरी है, तो ये समरी अगर समझाने लगे तो करीब आधा घंटा का वीडियो हो जाएगा पूरा, तो इसलिए समरी नहीं समझा रहे हैं। तो आप लोग इसका जो है अब बताते हैं आपको क्या करना है, तो आपको करना ये है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आपको वहाँ पे इस पेज का पूरा का पेज रहेगा, आप जाके वहाँ से आप पेज डाउनलोड कर लो सीधा, और आप अच्छे से आराम से एक एक करके पढ़ के आराम से समझ के याद कर लो, या फिर समझ लो आराम से जैसे हो, आप पूरे के पूरे तैयारी कर लो, प्रिपरेशन कर लो इस क्वेश्चन में से। ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन आप पक्का से पक्का, आप जरूर से जरूर आपको याद कर लेना चाहिए ये, और फिर ये 3 नंबर, अगर आप 8 नंबर कर लेते हो तो आपका ये तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप ये सब तैयारी कर लो, और आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इतने सारे मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, और उनके साथ भी ये वीडियो तो उनके तक भी पहुंच जाए, तो उन्हें शेयर जरूर करना। और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।